वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। क्योंकि दोस्तों आज हम बांगा भाई के साथ में शूट कर रहे हैं और हम लोग का चुनावी माहौल चल रहा है, आप सभी जान रहे हैं, और चुनाव के दौरान प्रचार हो रहा है, उसके बाद भी हम लोग शूट कर रहे हैं आप सबके लिए कि कॉमेडी बरकरार रहे। चुनाव अपनी जगह है और आप सबका जो मनोरंजन है वो अपनी जगह है, क्योंकि हमारे काफ़ी ऐसे भाई हैं जो चुनाव में इंटरेस्ट लेते तो हैं लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा वो कॉमेडी पे लेते हैं, तो भाई उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। देखो ये मेरा पान है, इस पान को मैं चबाऊंगा। बांगा सर क्या कहना चाहेंगे आप कुछ? मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पान खाने के बाद आपकी जो वॉइस में एक जान आती है, तो वो जान लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है जी। तो ये चुनावी दौर में क्या आप कंटिन्यू पान भी खाते रहेंगे? नहीं, अभी जो हम चुनावी सभा करेंगे जहाँ पे देव पवार, यानी कि देव पवार के लिए जब जाएगा बनवारी सेठ, तो वहाँ पे बांगा के हाथ में रहेगा एक पान। तो वहाँ जहाँ जहाँ हमें नेताओं की छीलनी हो या मुद्दों को उठाना हो, तो पान के बाद आएगी जान। और उसके बाद सिवनी बालाघाट कस के हंसेगा, और जब बनवारी सेठ पान खाएगा तो मामला हंसेगा। ऐसी बात है। तो गाइस वोटिंग चालू हो चुकी है, आपके क्षेत्रों में लोग आ रहे हैं, पार्टी के सर्वे चालू हैं। सर्वे जब भी हो तो देव पवार आपको नाम याद रखना है, वो आपसे पूछते हैं कि आप सिवनी बालाघाट के सांसद के तौर पर किसे देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ सर्वे में अगर नाम आएगा तो दोनों पार्टियाँ हमारे पास आएंगी। समझ रहे आप लोग? क्यों अली भैया आएगी? बाकी बांगा बनवारी तो बता ही रहे हैं सबको सर्वे में क्या बोलना है, हर चीज़ बता रहे हैं। आप लगे रहो अपने हिसाब से, हम लगे हैं अपने हिसाब से। लाइक करो, फॉलो करो। चलो पहला वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, शादी वाले के ऊपर है, शादी का सीजन चल रहा है, उसके हिसाब से हम शूट कर रहे हैं। कमेंट्स भी कीजिए गाइस। आप लोग कमेंट्स नहीं करते ना तो मनोबल थोड़ा सा टूटता जा रहा है। अरे बोलो तो ऐसे ही नहीं किया करो। कमेंट करने में जो है उसमें जो मामला फंसता है उसकी बात अलग है। अलग काका जी, समोसे तो खिलाओ फिर कैसा मामला फंसे? अरे बटा भुक्का समोसा ही चल रहा है। ये है निम्मा राव, जहाँ पे गिरे वहीं करे घाव। चलो आओ देखिए, ये अपना वही घर जो फिलहाल में अभी बन नहीं पाया है। लोकसभा चुनाव के बाद कोशिश करूँगा मैं कि इसका जुगाड़ कुछ कर पाऊँ, फिलहाल में अभी इसका काम बंद है। लेकिन अभी मेन है कि मैंने अगर ऐलान कर दिया हूँ, हमारी जो पूरी टीम है उसने ऐलान कर चुकी है, सब बेचारे गांव हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं, तो घर तो बाद में बन जाएगा। अब बात है सबके लिए, मेन चीज़ है कि पहले चुनाव मेन मुद्दा है, तो इसको लड़ते हैं यार भैया, सब लोग मिलकर लड़ते हैं, कुछ नया करते हैं। आज तक हमने पार्टी को चुना है, आज तक हमने व्यक्ति को नहीं चुना, व्यक्ति को चुनते हैं, पार्टियाँ तो अपने आप आ ही जाती हैं उसके बाद में। तो चलिए शूट करते हैं। चलो खींच मांगा भैया, फोटो खींचो। चलो आ रहा, चलो एक्शन। क्या मामला देख, अरे वाह मामला देख, अरे कतई जहर कतई जहर चूरा मचा दे इन्हें तो। जी जी वाला साहब के टाइप की खींच लिए और चूरा मचा दिए। वाह बाबू, भागा भाग पे जोर दो ना। हाँ सारा हट हटना है। मोड कैमरा, भागा भाग पे जोर दो, एक्शन। तुम्हारा फ्लो में क्यों नहीं आ रहा यार? ले यार देख रहे ठहराव में करेंगे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब तुम गए हो तो कोई खबर सुनाएगा आदमी, तो दोस्त में आके सुनाएगा ना यार। चल ले ठहराव में, ठहराव आएगा। चल लो ले निम्मा, सही है।
ये कुछ में क्या रहा समझे क्या नहीं क्रिएटिव क्या पूरा मुंह में टूट जाएगा कैमरा का। अरे बहुत बढ़िया सीन आया ये गाइस, देखो ये बहुत मेहनत के बाद में जो है जो चाहिए था अपने को वो सीन आ चुका है, तो पूरा मुंह में टूट दे मेरे कैमरे को जाके ऐसा थोड़ा वाइट रख दू करके ये ब्लॉग बना रहा है, तो पूरा बंदा ना कैमरा में फुल एक्सप्रेशन दे रहा भैया। तो गाइस देखो हमारे जो है तीन चार वीडियो भी शूट हो गए हैं शॉर्ट्स वाले, अब मैं देखो दूसरा दिखा रहा हूँ इनको कि कौन सा शूट करना है, बांगा और बनवारी का शूट कैसा होता है देख लो। आज मेरे ख्याल से पहली बार लाइव अपना शॉर्ट्स का वीडियो बन रहा है, समझ रहे हो बात को? सही समझ रहे हो? और उसके बाद में भाइयों बहनों वाला बनाएंगे काका, ये वाला बनाएंगे ना, उन्हें बोधा को भेज दिया कह रहा है ठीक है। देखो गाइस अभी क्या है मोड कैमरा का शूट चालू, रोल एक्शन। कट नहीं पूरा फिर होगा, चलो पन मोर गाइस। अच्छा मैं यहां बैठ के रो रहा हूं, तुम उसके ऊपर फोकस करो बच्चे के ऊपर। हां निमा बल्कि एक काम करो, निमा शॉट चेंज करो, निमा एक काम करो तुम शॉट लगाओ यहां से, ऐसे इसका नाम नहीं लूंगा क्या? भैंस का नाम लो ना तुम, निमा यहां लगाओ ताकि भैंस भी दिखे। चलो वो तो सही बोलो भैया मैं बिल्कुल, हां यहां लगाओ निमा लगा है, मैं यहां से लगाऊं दिख रही भैंस नहीं अभी नहीं दिखती, नहीं तो यहां लगा तब दिखेगी भैंस यार, यहां लगा ना। चलो मैं भी लगाता हूँ बड़ी भैंस, बड़ी भैंस चलो दिख रही है, बच्चे दिख रहे सब दिख रहा है, मोड कैमरा सुन 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 एक्शन सुन तो हाँ बोलना तो तुम आए ठीक में रो रो अब क्या हो गया रे बांगा, क्या बताऊँ काका हमारे यहाँ की भैंस है ना ये देखो उसका बच्चा दिए रात में दिए मासूम बच्चे को देख, मासूम बच्चे को देख ऐसा क्या हो गया रात में हुआ ले मूड कैमरा एक्शन। कुछ नहीं होता मैं बोला तेरे साथ कुछ नहीं दे मैं पाल लूंगा बेटा आगल पागल टाइम कटा तू यार नहीं पाया तूने क्या कर दिया मेरे समझ में नहीं आता, इतना बड़ा कमाल मेरा मोसिया कर कैसे सकता ये समझ नहीं आ रहा यार, क्या कर दिया तेरे मोसा ने रे? अरे क्या बताऊं काका, हाँ पूरा 50,000 का ईंट भट्टा बनाएगा काका कहना, हमने देख हमारे घर में हमने 50,000 का भट्टा लगाया बोलना ना, हमारे पास में भूसा था लकड़ी जी कहना बस हमारे और ये हो गए ये वाला बाद में ये भट्टा तुम्हारा है मौसा का नहीं, वो मेहमान आया था बेचारा वो तो ठीक है ना, वही तो मैं भी बोल रहा था ना, नहीं तुमने अपना बोल दिया उसका बोल दिया मौसा तो रोक के भैया पानी के बारे में तो उछल जा रहा तू। मोड कैमरा एक्शन। यार बड़ा ताजुब लग रहा है ना, पूरी ईंट लाल हो गई इतना पूरा रचे थे पूरा ईंट कैसे पक गया, क्या हो गया समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया रे काका, क्या हो गया बेटा? ये देख 50,000 का ईंट भट्टा बनाया हमने लाल बम रहे तो भाई पूरा रच के हुआ कट में ये लगा दिया मैंने, चलो कहाँ तक आया नंबर यहाँ तक आया मोसी लास्ट का पंच देना हो गया आज दिया काका बताने में अम्बा बता रहा हूँ अच्छा आ गया ना कष्ट पकेगा हमारे मूसा रात में आए अंडे की सब्जी खा रहे जो बचा नीचे उठना भरा सुबह देखो ईट लाल बम एक सांस में भैया पूरा एक सांस में कष्ट पकेगा ना हमारे रात में मूसा रात में अंडे सब्जी खाया जो ऊपर चढ़ जो नीचे उठना सुबह देखो तो ईट लाल बम हो गया रुक के, हाँ ये रुक के रहेगा लेकिन वो पूरा एक सांस में रहेगा चढ़ के उतरने से लेकर सुबह तक पूरा भट्टा ईट देखो लाल बम
ये एक सांस में, एक सांस में रहेगा पूरा आला। उसके बाद तुम्हारा क्या रहेगा? नहीं तू बोले कुछ लाल बम आज कैसे लाल हो जाएगी? कैसे बन जाएगी? नहीं पापा, नहीं लगता उसमें पान जाता है। ये तुम्हारा है, तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा है, इसके बाद मेरा है ना। हाँ तो बता तू, पापा लगता है ना इसके बाद वाला। हाँ हाँ मैं चमका हाँ पापा कहें ये कुंडा तो उड़ भी गया कहना यहाँ कहना सुनो कहीं दोस्त कोई छोड़ देना। चल चल रेडी वही पोजीशन में जाऊँ मैं, काट लगा देता ना इस साइड से। नहीं मारो लास्ट पर मैं अपन तेरी महफिल तेरा इंतजार है। ये एक है वो वाला बीजेपी का मंडल अध्यक्ष वाला सुनने में आया हमारे बनवारी सेठ, वो तो बहुत जरूरी है। हाँ नमस्कार भाई बहन, सुनो मेरी बात। आपका कहना है तीन बार रिश्ते के लिए हम गए थे ना, हमारा हमारे गांव का मास्टर है ना, तीन बार रिश्ते के लिए हम उनके घर पे गए थे ना, तीन बार हमको मना कर दी। और मेरे को आज मालूम है काका कहना मेरे को काफी आज लग रही थी पीछे मत रहने दे। अब वो तो मत कलेक्टर को देंगे ना, कलेक्टर नहीं काका बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है। वाह बीजेपी का मंडल अध्यक्ष को दे दिएगा फिक्स बन गए। वीडियो बनाए ना बीजेपी का मंडल है ये ग्रामीण आमिर का रोल। मैं यहाँ पर झोड़पा जी को देना चाहता हूँ पैसे। ला ला तो गाइस यार देखिए इनसे हमने पैसे ले लिए हैं आप देख सकते हैं। ले बार वापस ले लो तो हर पैसा वीडियो बन गई है। दोस्तों वापस कर दिया, काफी अच्छा मेरा दोस्त है। लाइक करो फॉलो करो तुम अपना बगा रखना बस पूरा। मास्टर लाया, मास्टर लाया, अबू लाया, बाबू लाया, तुम्हें पूरा आउटी वाला मारना पूरा। और सुबह देखा तो कहना चल दुकान हमारे घर में आ गया। ये देख नोटिस बाबा पायलट को दियो भैया कहूंगा तो नहीं है क्या? हाँ हाँ उसके यहाँ की लड़की बड़ी वाली भैया सुंदर है भाई, क्या सुंदर गोरी नारी चकचकी हीरोइन वाली। हाँ हाँ काका फिर उसका रिश्ता हो गया। क्या बना तू यार? मोदी है तो मुमकिन है काका। वो कानाट में छपवाया भी है, घर घर मोदी, हर हर घर मोदी पे मांडा डर बनना पड़ेगा भाव मेरे को भी। हाँ तो फिर होते से ही तलवार हाथ में दे दिए होंगे तो बेटा उस समय जो हमारे दादा जी ने जो है 1947 में लड़ाई लड़े अंग्रेजों के साथ में, पर पैदा हुए थे कहूँगा मैं, जब 1947 में जब वो पैदा हुए थे। जा। मोड लो। देखो इस तरह से जो है हमने आज हमारा शूट करे हैं, काफ़ी सारी हम लोग की मस्ती होती है और आज हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए जो ईंट भट्टे वाले भाइयों के लिए भी हैं, किसान भाइयों के लिए भी हैं। और अब हमारा एक आखिरी वीडियो हम शूट करने वाले हैं वो है हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए। आप जानते हैं कि उनके साथ में जब नया कानून आया है तो उनके फ़ोन बहुत सारे आए, मैंने उनके लिए वीडियो बना भी दिया हूँ, लेकिन मेरा खुद का एक मन है कि बनवारी सेठ के स्टाइल में उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि मेरे ड्राइवर भाइयों को अपनी आवाज़ को बुलंद करने में हम भी सहयोग कर सकें। ये मेरी कार है और जो कार चलाता है हर एक व्यक्ति ड्राइवर है, इससे पहले कि वो मालिक है उसके पहले वो ड्राइवर है। तो हम शूट करने जा रहे हैं, आपका पैर बना के रखिए और 2024 में सांसद चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, ताकत के साथ में आओ। आज तक आपने पार्टी को चुनते चुनते बहुत बड़ी गलती की और कि व्यक्ति को नहीं चुन पाए, अब व्यक्ति को चुनना है, पार्टी अपने आप हमको चुनेगी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? अली भैया हमारे पास रखी हुई है, कह नहीं माँ लाइक करो फॉलो करो, मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे भैया। क्या नाम से बताओ? निमेश कुमार 64। अरे उसी में लफड़ा है, 64 में लफड़ा है ना, 64 को हटा दे। हाँ सिर्फ निमेश कुमार कर दे, निमेश कुमार करो बस। उसको निमेश कुमार निम्मा राव करना यार, निम्मा राव भैया सर्च कर लेना निम्मा राव को। ठीक बोल दिया मैंने भैया,
करेक्ट बोल दिया मैंने, बिल्कुल अब कर लेंगे बनवारी सेठ ने बोल दिया तो मामला फंसी फट फट जाएगा। चलो 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 रेडी पिकी रखे बांगा बैठा हुआ। अरे सेव वाले ढूंढ रहा हूँ ना यार, लफड़ा बन गया ना। ये झोड़पा टेम्पा टेम्पा जल्दी उठाओ, चलो मामला फंसाओ, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है। तो गाइस इस तरह से हम लोग का शूट कंप्लीट हो चुका है और शानदार जो है अभी बज रहे हैं 6:30। लाइट पूरा जा चुका है आसमान से, अब जो है अंधेरा छाने लगा है और हमारे अली भैया जो है भाभी से बात कर रहे हैं क्योंकि उनको शाम शाम को भाभी से बात करने के बाद जो एनर्जी का प्रवाह होता है। बिल्कुल भैया, आगे टेनपा झोड़पा अंदर घुस चुके हैं और अभी देखो हमारे यहाँ पर ईट वीट सब बन रही है हमारी लोकेशन पर, तो ये बहुत बढ़िया। अब आपको कुछ नए नए वीडियोज़ भी इस लोकेशन के हिसाब से मिल जाएंगे। बांगा ईटा भट्टा में काम करते हुए वीडियो सब आपको देंगे हम लोग। तो चलो कौन मार रहा है रे, हारन वार मारा मत करो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द नए वाले व्लॉग के साथ में। सारे व्लॉग्स अभी राजनीति से भरपूर होंगे तो आप लोग प्लीज़ मैनेज करिएगा और सपोर्ट करिएगा पूरी टीम को ताकि हम इस चुनाव को भी जीतेंगे और हम लोग इतिहास भी रचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।